सुप्रभात मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठमाला पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी हिंदी पाठमाला निकालिए, ठीक है। संकल्प हिंदी पाठमाला, आप लोग सभी हिंदी संकल्प पाठमाला निकालिए। इसमें चैप्टर 7, इसके आगे वाला जितना था मैं पहले करा चुकी हूँ, इसलिए मैं आज चैप्टर 7 से पढ़ाऊंगी। सभी इस अध्याय को निकालिए, पेज 49, अध्याय 7, इंसान का बस्ता, ठीक है, स्थान, इंसान का कमरा। आप लोग चित्र देख सकते हो कि इंसान का एक कमरा है। इंसान पाठशाला से घर लौटा। इंसान कौन है? हम लोग सब इंसान हैं, ठीक है। इंसान घर लौटा, हमेशा की तरह इस बार भी उसने अपना बस्ता लापरवाही से मेज पर पटक दिया। मेज मतलब जमीन। कौन? इंसान, जो क्या कर रहा है, पाठशाला से आया। ये देखो, देखिए चित्र में इंसान एक जन है, जो एक छोटा सा बच्चा है जो पाठशाला गया, और आने का बाद उसको जमीन में ऐसा वैसा जैसी भी करके लापरवाही के तरह क्या किया, अपना जो बस्ता है उसको मेज में पटक दिया। बस्ते की चीज़ें बाहर गिर पड़ी, और उस लापरवाही के कारण बस्ते में जो कुछ था वो क्या हुआ, बाहर गिर गया। उसने अपना बैट उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। उस टाइम में क्या किया, वो जस्ट पटका और अपना बैट को लिया। आप लोगों को पता होगा बैट बॉल, बैट को लिया और कमरे से बाहर जाने लगा। तभी उसे किसी के कराहने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। कराहना मतलब दर्द भरी आवाज़। उसको देखिए, यहाँ शब्दार्थ है, उसमें दिया हुआ है कराहने का जो अर्थ है, तो धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। इंसान, कमरे में तो कोई नहीं था, फिर यह कौन बोला? इंसान को कान में आया तो इंसान सोच रहा है, कमरे में तो कोई नहीं था तो फिर कौन ऐसा बोला। इंसान कमरे के दरवाजे पर रुक गया, पर्दे के पीछे खड़ा होकर सुनने की कोशिश करने लगा। आप लोग देख रहे हो चित्र में कि इंसान खड़ा है और दरवाजे पर कमरे के दरवाजे पर रुक गया, और पर्दे के पीछे, देखिए पर्दे के पीछे से वो देख रहा है और सुनने का कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ है, कौन ऐसा आवाज़ कर रहा है। इंसान, अरे ये तो मेरे बस्ते की आवाज़ है। तब वो देख रहा है कि बस्ता बात कर रहा है, आवाज़ कर रहा है। बस्ता, आह, बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या करूं, इंसान मुझे रोज ऐसे ही पटक देता है। बस्ता बोल रहा है, बड़ी दुख से बोल रहा है, क्या करूं मैं, इंसान ऐसे ही हमको दे हर रोज आके जमीन में, कहाँ, मेज पर पटक देता है। तभी पेंसिल बस्ते से निकलकर फुदकती हुई आगे आई। पेंसिल क्या बोल रहा है, देखिए, सच कह रहे हो बस्ते भैया, मुझे भी इंसान डिब्बे में नहीं रखता, मैं इधर उधर पड़ी रहती हूँ, मेरे नोक भी कई बार टूट जाती है, बार बार छीलने से मुझे बहुत दर्द होता है। ये सब कौन बोल रहा है? पेंसिल बोल रहा है। उसके बाद देखिए रबर, रबर क्या बता रहा है, बस्ते के कोने से झांकते हुए, बस्ता का अंदर से पेंसिल, उसके बाद रबर। अरे मेरा हाल तो देखो, मुझे तो इंसान बहुत जोर से रगड़ता है, कितनी काली हो गई हूँ मैं। मेज पर रखी कापिया में से एक
खिसक कर आगे आ गई। देखिए अभी कॉपी, कॉपी क्या बोल रहा है, हाँ बहन हमारा भी यही हाल है, हमारे सफ़ेद पिष्ठ, पिष्ठों का मतलब आप लोगों को पता है पेज, पिष्ठ मतलब पेज पर भी इंसान अक्सर ठीक से नहीं बनाता, रबर से बार बार मिटाता है, कभी कभी तो कागज ही फट जाता है, हम पर काम भी अधूरा रहता है। तो देखिए बस्ता, पेंसिल, रबर, कॉपी सभी अपना दुख तकलीफ बोल रहा है। उसके बाद देखिए किताब, दुखी होते हुए हमारी तो जिल्द ही फट गई है, इतना दुखी है। किताब क्या बोल रहा है, मेरा ऊपर में जो कवर रहता है जिल्द वो भी फट गई है, हम पर जगह जगह लिख कर हमें गंदा कर दिया है, जहाँ पारो कौन लिखता है, कौन इंसान, हमारे पिष्ठ भी फट गई है, हम इधर उधर पड़ी रहती है। तभी कुछ अजीब सी गंध आई, सब ने अपनी नाक बंद कर ली, खाने के डिब्बे ने धीरे धीरे ढक्कन खोला, सब अपनी नाक बंद करके भागने लगे। कौन कौन भागने लगे, किताब, कॉपी, रबर, पेंसिल, बस्ता सभी भागने लगे। लंच बॉक्स, ये कौन था, लंच बॉक्स, अभी लंच बॉक्स आया है अपना दुख बोलने के लिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती इसमें मेरी क्या गलती है, इंसान मुझ में रखा खाना पूरा ख़त्म नहीं करता, बहुत देर तक मुझ में बचा हुआ खाना पड़ा रहता है, इसलिए मुझ में से ऐसी गंध आती है। सच बात है, अगर इंसान ऐसा करेगा तो कैसे होगा, ठीक है खाया नहीं, उसको डस्टबिन में जो जो बचा कुचा मिलता है रहता है उसको फेंको, अच्छे से धो के रखो, तब उसमें से गंद नहीं आएगा, पर ऐसा भी नहीं करता तो क्या करेगा, ये सभी इंसान से परेशान है, बस्ता, पेंसिल, रबर, कॉपी, किताब, लंच बॉक्स। तो आज यहाँ तक ही मैं पढ़ा रही हूँ, अभी आप लोग ये दोनों पेज 49 और 50 जो पेज है इंसान का बस्ता अच्छा से घर में पढ़िए, ठीक है बच्चों।